अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली अकबर और आप देख रहे हैं एम प्रिंटर्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप शनाख्ती कार्ड की तस्वीरों से शनाख्ती कार्ड की कॉपियां बना सकते हैं, वो भी घर बैठे या कहीं भी। आप सब पास एक प्रिंटर होना चाहिए, एक लैपटॉप या पीसी होना चाहिए जिसके अंदर वर्ड इंस्टॉल हो। सो एम एस वर्ड के जरिए हम जो है आईडी कार्ड की कॉपियाँ बनाएंगे। ये देखिए मेरे पास ये एक तस्वीर है शनाख्ती कार्ड की बैक की और ये है फ्रंट साइड की। अब मैं इसको एम एस वर्ड के अंदर इंसर्ट करके तो इसकी थोड़ी सेटिंग करूँगा, सेटिंग करने के बाद साइजिंग करूँगा, साइजिंग करने के बाद इसकी फ्रंट बैक की एडजस्टमेंट करके तो आपको दिखाऊँगा कि 8 कॉपियाँ एक ही A4 पेपर के ऊपर निकाली जाती हैं। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एम एस ऑफिस को ओपन किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और फिर आपने यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट फीचर। डेस्कटॉप पे पड़ी है मेरी दोनों तस्वीरें आईडी कार्ड की, इमेज 1 इमेज 2 के नाम से, और ये हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। देन हमने क्या करना है, हमने पेज की सेटिंग्स करनी है। पेज की सेटिंग्स पे के लिए हमने सबसे पहले पेज को सिलेक्ट करना है, A4 साइज़, इसके मार्जिन सेट करने हैं नैरो। नैरो के बाद आपने कस्टम मार्जिनस पे आ जाना है, 0.2 इंच 0.2 इंच, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट चारों तरफ से बराबर मार्जिन रखना है 0.2 इंच का, इसके ओके कर देना है आपने। उसके बाद आपने इसे बिहाइंड दी टेक्स्ट करना है इमेज को, दूसरी इमेज को भी आपने बिहाइंड दी टेक्स्ट कर देना है, और इमेज को उठा के नीचे कर देना है एक को, और दूसरी इमेज को आपने उठा के नीचे कर देना है, और आपने इसको अपने हिसाब से इसको सीधा एडजस्ट कर लेना है। ये सीधा हो गया। अब आपने इसकी सीधाई चेक करने के लिए, स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए शेप्स में लाइन को इंसर्ट करना है, लेफ़्ट क्लिक करके आपने शिफ्ट प्रेस कर देना है, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी आपकी। इसके बाद आपने इसे थोड़ा सा विजिबल कर लेना है, लाइन को थोड़ा मोटा कर लेना है, और थोड़ा सा ऐसे आप ऊपर करके चेक कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको और विजिबल करके दिखाऊं तो ये आपने कर लेना है। अब आपने क्या करना है जनाब, इसी तरह ही इसे कट, और यहाँ से आपने पेस्ट स्पेशल पे करना है, पेस्ट स्पेशल, इसे बिट मैप में आपने ओके कर देना है। इसके बाद आपने इसको क्रॉप करना है, इसी तरह ही आपने इसको भी करना है। इसे हल्का सा आप रोटेट करके इसे स्ट्रेट कर लें, स्ट्रेट करने के बाद आप लाइन के मुताबिक इसे स्ट्रेट करें। ये तकरीबन स्ट्रेट हो गया। इसे भी आप राइट क्लिक करके कट, और फिर पेस्ट स्पेशल और बिट मैप, ओके, क्रॉप, नीचे से भी कर लेते हैं ऊपर से। अच्छा तो दोस्तों, इसके बाद आपने इस वाली लाइन को आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने जी इसका साइज़ देना है, लॉक एस्पेक्ट रेशियो को आपने अनचेक कर देना है, फिट था आपने 3.4 रखनी है, हाइट आपने 2.2 रखनी है। इसी तरह इसको भी आपने साइज़ मैनेज करना है, 3.4 विड्थ था इसकी और 2.2 इसकी हाइट आपने रख देनी है। पोजीशंस में आपने आना इस तरह से, कंट्रोल ए कंट्रोल ई कंट्रोल सी। सब इसके बाद आपने इसके कलर सेट करने, कलर्स कलेक्शन हो गई, इसके भी कलर्स कलेक्ट कर दिए हमने, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 8 दफ़ा आपने इसको कॉपी कर लेना यहीं पे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको भी आपने 8 दफ़ा कॉपी कर लेना है। अब कंट्रोल ए कंट्रोल ई करके आपने इसको सेंट्रलाइज कर लेना, फिर आपने एक दफ़ा आपने ठीक है इसको खोल देना आपने, इसी तरह आपने यहाँ पर डबल एंटर कर देना, इधर भी डबल एंटर कर देना, और नीचे तक आपने डबल एंटर कर देना। ये भी हो गया।
आईडी कार्ड की पोजीशन जो है लाइन टू लाइन बिल्कुल लाइन में ही है बिल्कुल। यहाँ से आप इसको एक दफ़ा एंटर कर दें, इसकी बैक साइड को और फ्रंट साइड को भी एक दफ़ा एंटर करके नीचे कर दें। इसके बाद आपने इसका प्रिंट लेना, प्रिंट आपने इस तरह से लेना है, फाइल्स प्रिंट्स, उसके बाद भी आपने अपने प्रिंटर सेलेक्ट करना है। मेरे पास तो रिको की मशीन है, रिको प्रिंटर है, मैं रिको सेलेक्ट करूँगा। इसमें डबल साइड की कॉपी करने की यानी कि प्रिंट करने की ऑप्शन है, तो डबल साइड का मोड ऑन कर देते हैं। और अगर आपके पास भी डबल साइड का है तो फ्लिप ऑन लॉन्ग एज पे करना है आपने क्लिक इसको। और अगर सिंगल साइड का तो पहले एक साइड निकाली है फिर डबल साइड दूसरी साइड निकाली है। मैं चाहूँ तो ब्लैक एंड वाइट निकाल सकता हूँ, चाहूँ तो कलर निकाल सकता हूँ। अभी मैं ब्लैक एंड वाइट निकाल रहा हूँ। ट्रे थ्री में मेरे पास A4 साइज़ पेपर लगा है, ट्रे थ्री सेलेक्ट कर ली मैंने। ये सारी की सारी प्रिंटर की सेटिंग्स हैं, इसका आपको बखूबी पता होगा किस तरह प्रिंट करती है। ओके कर देना और आपने फिर यहाँ से प्रिंट की कमांड दे देनी है। अब आपके सामने प्रिंट निकलेगा, ये देखिएगा। ये देखिए, अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगा। ये देखिए कॉपीज बिल्कुल ठीक हुई है, फ्रंट बैक इसका बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट हुआ है।